आज पीपल फार्म के किचन से हम आपके साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। पंजाबी फैमिलीज में शाही पनीर बहुत पसंद किया जाता है। हम लोग वो बनाते हैं जब हमारे घर कोई खास ओकेजन होता है या कोई गेस्ट आ रहे होते हैं। आज हम वही सेम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, पर मैंने उसकी वीगन रेसिपी बनाई है, वीगन वर्जन टोफू के साथ। तो आइए वो रेसिपी देखते हैं। कढ़ाई को हमने मीडियम सेक पे रखा हुआ है और जब ये गर्म हो जाए तो हम इसमें तेल डालेंगे। हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी तेल पसंद करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये उतना तेल लेंगे जिसमें हम तड़का अपना भून सकें टमाटर और प्याज, तो तकरीबन ये एक कप के आसपास है। उसके बाद हम ये 3 से 4 जो सूखी लाल मिर्ची है वो इसमें हम डाल देंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। उसके बाद जब मिर्ची भुन जाए तो उसमें मैं लगभग 2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और अच्छी तरह से ये भी रोस्ट हो जाए। जब आपको मिर्ची और जीरे की अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने ये प्याज पहले से ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ये प्याज हम उस मसाले में डाल देंगे। और ये लगभग मैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी हम मिला लेंगे बाकी मसाले के साथ। आप देख सकते हैं कि जो प्याज है उसका कलर बदल गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है उसने, अभी अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर की ये ग्रेवी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने इसे ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया था। 1 इंच अदरक ली है, 5 से 7 क्लोव्स उसके लिए हैं गार्लिक के, और मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, 2 या 3। अब ये ग्रेवी बन चुकी है। ट्रेडिशनली जब हम घर पे शाही पनीर बनाते हैं तो हम उसमें हैवी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, पर आज क्योंकि हम ये वीगन वर्जन बना रहे हैं तो इसमें हमने वीगन क्रीम का इस्तेमाल किया है जो मैंने काजू के साथ बनाई है। इसे भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है काजू को ये क्रीम बनाने के लिए। आपने रॉ काजू लिए, मैंने लगभग आधी कटोरी काजू लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्सी में आप ब्लेंड कर लीजिए तो उसकी ये स्मूथ सी थिक सी पेस्ट बन जाएगी। जो क्वांटिटी है आप उसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक रिच ग्रेवी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 कड़छी के आसपास काफ़ी रहेगा। इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच ही देगी मिर्च कलर के लिए, और अपने स्वाद के हिसाब से आप गरम मसाला डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम डालेंगे नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इस ग्रेवी को हमने लगभग 5 से 10 मिनट तक पकाया है, अब ये रेडी है। इसमें आप या तो ताज़ा धनिया डाल सकते हैं, या अगर आपके पास ताज़ा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी जो सूखी हुई होती है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे टोफू। ये टोफू को हमने पैन फ्राई कर लिया है, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे रॉ भी डाल सकते हैं। अब हम पनीर की जगह इस ग्रेवी में ये टोफू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो डाल रहे हैं। अब शाही टोफू रेडी है, आप इसे फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं, परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।